यूपी के बुलंदशहर में 11,000 केवीए की बिजली लाइन की चपेट में आने से दो बच्चों सहित पांच झुलसे ग्रामीणों का दावा। मकानों की छतों से होकर जा रही बिजली की लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। दो घायलों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए किया गया रेफर। शिकायत के बावजूद भी वही ढाक के तीन पात गुलावठी के गाँव मिठेपुर में ग्रामीणों का रोष। मैं फहीमुद्दीन मेवाती ग्राम मिठेपुर से आप सभी अधिकारियों को पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि कई कई बार मैंने डीएम साहब को एसडीएम साहब को मौखिक रूप से कहा है। अभी हमारे प्रधान संगठन की अभी जो मीटिंग परसों पुलिस लाइन बुलंदशहर में हुई थी उसमें मैंने अपने गांव मिठेपुर का मुद्दा उठाया था कि मेरे गांव मिठेपुर में बिजली की हालत बहुत ही जर्जर है और कई बार बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। और उससे पहले गुलावठी जो हमारे एक सामूहिक सभी संभ्रांत लोगों की मीटिंग हुई थी एसडीएम साहब के नेतृत्व में, मैंने उसमें भी मौखिक रूप से एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को अवगत कराया था कि मिठेपुर की हालत बहुत खराब है विद्युत विभाग को लेकर। और मैंने एसडीओ साहब को एक्सएन साहब को फोन से भी और वैसे भी कई बार अवगत करा दिया है कि हमारे गाँव में 11,000 की लाइन बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। लगभग 20 साल पहले लाइन लगी हुई थी जो लाइन अब बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और छतों पर तार लटके हुए हैं। इसी क्रम में कल हमारे गांव में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि पांच लोग एक साथ ही 11,000 की लाइन की चपेट में आ गए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।